देखिए, आज हम बांडीपुरा में हैं। चूंकि हमारा पार्टी का विस्तार जो होता है, पार्टी के जो नए हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बने हैं, आज हमारे माननीय जनरल सेक्रेटरी श्री अशोक कोल साहब यहाँ पे आए हैं। और जो हमारा नया टीम बना हुआ है डिस्ट्रिक्ट्स का और ख़ास कर बांडीपुर का, और हमारे नौजवान यहाँ के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट नसीर साहब, इन्होंने जो टीम तश्कील दी हुई है, उनके साथ अशोक कोल साहब जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन और बाकी जो हमारे पार्टी के पदाधिकारी हैं वो उनसे बात करेंगे। और ताकि जो आने वाला हमारा प्रोग्राम है, पार्टी की प्रगति है, बूथ लेवल तक जाना है, पार्टी को आगे बढ़ाना है। और चूंकि अब आने वाला जो पार्लियामेंट इलेक्शन भी होगा, उसके लिए हमें तैयारियां करनी हैं। और जब हम पार्टी का विस्तार करते हैं, पार्टी में नए लोगों को जगह देते हैं, उनके साथ हम पूरी तरह से बात करते हैं और उनको अपना काम सौंप देते हैं। बीजेपी पार्टी है कैडर्स की, हमारी एक बेस रहती है। हम अपने नए अधिकारियों को और जो हमारा एक संगठन है वो एक मजबूत पिलर है, उसको आगे कैसे बढ़ाना है, लोगों के साथ कैसे जाना है, लोगों के साथ काम कैसे करना, हमारी जो स्कीम्स हैं, हमारे प्रधानमंत्री की जी के जो स्कीम्स हैं, और जो G20 अभी होने जा रहा है, वो श्रीनगर में भी खासकर एक पहलू है, उसके साथ हमें कैसे जाना है, उसके मुतालिक हमें आज ये जो प्रोग्राम आज बांडीपोरा में नसीर साहब ने रखवाया है, उसके लिए हम आज आए हैं। अभी इलेक्शंस इलेक्शन कमीशन की बात रहती है, और जब यहाँ पे बिगुल बज गया, अगर पार्लियामेंट इलेक्शन होंगे तो इंशाल्लाह रहमान सारे इलेक्शंस हो जाएंगे। क्योंकि पहले डेमोक्रेसी में इलेक्शंस होना बहुत ज़रूरी होता है और हम डेमोक्रेसी में यकीन रखते हैं, तो इंशाल्लाह रहमान जम्मू कश्मीर तरक्की की ओर बढ़ रहा है, खुशहाली की ओर बढ़ रहा है। हमारी पार्टी का वादा है कि हम जम्मू कश्मीर को वो सतह देंगे जिसमें हमारे नौजवान, हमारे तमाम लोग जो आगे बढ़ेंगे, जो खुशहाली आएगी वो जम्मू कश्मीर में आएगी। तो इंशाल्लाह रहमान उसके लिए हम काम कर रहे हैं। हमें तो पॉलिटिकल फ्यूचर बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसे आजकल वो बात रही ही नहीं जो पिछले दहाइयों से हम देख रहे हैं। जम्मू कश्मीर में जब से हम देख रहे हैं 19 के बाद, आप देखिए कि हर एक घर में, हर हम सुबह जब उठते हैं तो हमें ये सुनना नहीं पड़ता है कि आज हड़ताल है, पथराव है, क्या हम घरों से निकलें या नहीं। सबसे बड़ी बात ये रही हमारी कि आज हम बेखौफ सुबह अपने बिस्तर से उठते हैं और किसी को फ़ोन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है कि आज माहौल कैसा है। आज हम अल्लाह के करम से नमाज़ पढ़ के निकलते हैं और बेखौफ होकर सड़कों पे चलते हैं। ये सबसे बड़ी बात है हम सब कश्मीरियों के लिए। आज कोई वो अंदर से कोफ्त नहीं रहती है कि अगर हम गाड़ी में निकलेंगे तो क्या वापस आएंगे या नहीं। जबकि हमारे छोटे बच्चों के हाथों में भी पत्थर होते थे, स्कूल बंद होते थे और हड़तालों की काल होती थी। आज वो मंजर कश्मीर में नहीं है। कश्मीर अब खूबसूरत हो रहा है, वही जन्नत का नज़ारा हमें आज देखने को मिलता है जो पहले 90s से पहले होता था। और हम उसी की तरफ जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर भारतीय जनता पार्टी का यही एक नारा है कि हम जम्मू कश्मीर को उस सतर पे ले जाएंगे जहां खुशहाली और अमन तरक्की हो। ये हमारी पार्टी है, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब का विजन है, मोदी जी का विजन है कि हम डेमोक्रेसी में यकीन रखते हैं। इससे पहले भी कांग्रेस का रूल था, तब उन्होंने हिम्मत ही नहीं की कि कश्मीर में आए, तब उन्होंने हिम्मत ही नहीं की कि वो पैदल चले, क्योंकि उनको डर था तब पथराव हो जाएगा, कहीं से भी अमन में खराबी होगी, खलल हो जाएगी। ये तब आए जब मोदी जी ने जम्मू कश्मीर को हमवार कर दिया, जब मोदी जी की सरकार ने, बीजेपी की सरकार ने कश्मीर में अमन लाया,
तभी ये यात्राएं सफल होगी। अब कोई भी आए सफलता के साथ आएगा, पहले ये मुमकिन ही नहीं था, पहले वो घरों से ही निकलते नहीं थे, तो यात्रा जम्मू कश्मीर में आने की तो बात ही नहीं थी। उन्हें कांग्रेस को थैंक करना चाहिए, थैंक्स करना चाहिए हमारे मोदी जी का, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब का, कि आज वो 30 साल के बाद ये यकीन करके आए कि आज हम कश्मीर तक जाएंगे और पद यात्रा जाएंगे। तो हम तो हमारी गवर्नमेंट को, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब को मुबारकबाद देना चाहेंगे कि आज कश्मीर में माहौल वैसा है कि वो आए और यहाँ पे उनको वेलकम। सवाल का जवाब हम विस्तार से देना चाहेंगे। आपका सवाल बहुत ही अच्छा है, क्योंकि ये जो बेरोजगारी है ये 30 साल की देन है पीडीपी, कांग्रेस और एनसी की। उन्होंने इन लोगों को धोखे में रखा, इन लोगों को ऐसी नौकरियां दी जिनका कोई ना सर था ना कोई पैर था, और ये बढ़ते बढ़ते ये बेरोजगारी अब तक पहुंची। हमारी गवर्नमेंट ने सोचा है कि अब इनको हम कहीं ना कहीं पे एडजस्ट करेंगे। जब आप खाली चीज़ें सामने लाते हैं अपने वोट बैंक के लिए, तब यही हाल होता है। अब हमारी गवर्नमेंट परमानेंटली सोल्यूशन चाहती है, और हमारी गवर्नमेंट ने जो वादा किया है, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो वादा किया है वो पूरा होगा। और कश्मीर में, जैसे हमारे भाई ने सवाल पूछा कि कश्मीर में, तभी ये सारा कांग्रेस जो 30 साल में नहीं कर पाई, वही हमने करके दिखाया कि उनको रास्ता मिला। आज जो आप सारे युवा, हम आप सारे सारे निकलते हैं, बेखौफ होकर निकलते हैं। ये जम्मू कश्मीर में जो अमन की लहर है, ये सिर्फ बीजेपी ने लाई, बीजेपी की वजह से यहाँ पे ये मुमकिन हुआ। और हमें अल्लाह का शुक्र भी करना चाहिए, और हमने अपने प्रधानमंत्री जी का शुक्र करना चाहिए। आज हम जिस तरीके से बात कर रहे हैं।